कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की कई कॉलोनियों में करीब 3 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें आर्यनगर में 2,50,00,000 की लागत से सीवर लाइन डालने का काम शामिल है। जनता कॉलोनी के पार्कों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही मूलचंद शर्मा ने कॉलोनियों को 2 ट्यूबवेलों की सौगात भी दी है। इतना ही नहीं, चावला कॉलोनी और भगत सिंह कॉलोनी में कंक्रीट की सड़कें भी बनाई जाएंगी। बहुत लंबे समय से जो आर्यनगर की भाटे कॉलोनी की जो डिमांड थी कि पानी की निकासी, पानी के सीवर जाम रहना, आज हमने 2.5 करोड़ के सीवर की लाइन की शुरुआत की है। बड़ी लाइन जो 24 इंची है, जो सेक्टर 64 में जाके मिलेगी, और आर्यनगर की सारी सीवर लाइन इसमें है। और यादव बेरी से लेकर भगत सिंह कॉलोनी तक दोनों रोड, निप्रांत रोड और मोहना रोड दोनों के साथ एलसीपी मिल के पूरी पानी भर जाएगा, जो 2.5 करोड़ के अंदर है। अब मैं जाऊँगा 2 ट्यूबवेल और 10 लाख पार्कों के लिए, उनकी भी जनता कॉलोनी का उद्घाटन आज करने वाला हूँ। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में पहले की सरकारें सिर्फ लूट खसोट किया करती थी, अब विपक्षी सीमेंटेड सड़कों पर चलते हैं, फिर भी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए बीजेपी सरकार पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही है। फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।